तो एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको एक ग्रेट वाइट ऐप के बारे में जानकारी दूंगा, जो कि ग्रेट वाइट इलेक्ट्रिकल। ये ऐप मेरे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। इसको लॉगिन करने के लिए आपसे जो परमिशन मांग रहा है, परमिशन मैं इसमें एक्सेस कर रहा हूँ, ग्रांटेड दे रहा हूँ इसको मैं। उसके बाद इस प्रकार से जो आपके पास इंटरफेस शो हो रहा होगा, आपको देखिए मेरे पास जो आपको इंटरफेस शो हो रहा है आपको देख रहे हैं, इसमें मेरा मैं वेरीफाइड हो चुका हूँ, नाम मेरा इसमें शो हो रहा है। उसके बाद पॉइंट इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, उसके बाद नीचे स्कीम ब्रोचर इवेंट्स ये आप देख सकते हैं। और इसके अलावा देख लेते हैं ऑप्शंस और क्या क्या इसमें ऑप्शन है। देखिए यूज़र डिटेल में आप देख सकते हैं, इसमें एडिट प्रोफाइल है, KYC वेरीफाई है, पॉइंट इन्फॉर्मेशन है, एनालिटिक ऑप्शन है, और उसके बाद फन जोन में गेमिंग है ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा सेटिंग में आप देख सकते हैं, सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है इसमें। मैं ऑप्शन को क्लिक कर रहा हूँ तो इसमें आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, थीम, पुश नोटिफिकेशन, ईमेल, कैमरा, लोकेशन, ये सब एक्सेस कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं रिसोर्सेज में प्राइस लिस्ट, वाउचर एंड स्कीम। उसके बाद लास्ट ऑप्शन दिया लॉग आउट का, आप लॉग आउट कर सकते हैं। देखिए मैं एडिट प्रोफाइल में आपको दिखाता हूँ, आप इसमें अपना प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं एज़ पर यू नीड, जो भी आपको इसमें करना हो। देखिए वेरीफिकेशन, KYC वेरीफिकेशन में अपने डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करवाने होते हैं। पॉइंट इन्फॉर्मेशन में आप लॉग इन देख सकते हैं, इसमें मेरे पास अभी करंट में 10 पॉइंट है, और जो कब मैंने अर्न किया था 10 पॉइंट, ये 13/12/2023 को मैंने अर्न किया था। टाइम भी इसमें लिखा गया है, इतने बजे मैंने इसको रिडीम किया था। इसमें आ रहा है टाइम, आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद रिडीम पॉइंट में कुछ नहीं दिखा रहा, गिफ्ट पॉइंट में भी ये सिर्फ 10 दिखा रहा है अभी आपको। इसके अलावा दोस्तों इसमें अगर आपको कस्टमर केयर में कॉल करनी है, तो इसमें कस्टमर केयर को कॉल करके इसमें आपको जो नंबर शो हो रहा होगा इसमें अपना कॉल करनी है, देख पा रहे हैं आप, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया स्क्रीन पे जी। दोस्तों इसमें जो मेन है आपको स्कैन करना है, कूपन है आपने इसको स्क्रैच करना, उसमें जो QR कोड दिया रहता है आपने उसको स्कैन करने के लिए इसमें नीचे ऑप्शन दिया है स्कैन, स्कैन को आप प्रेस करेंगे तो इसमें परमिशन मांगे, कैमरा के लिए आप परमिशन दे दीजिए, आपने QR कोड सामने प्लेस करना है तो स्कैन कर देगा। देखिए मैं आपको दोस्तों एक दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए QR कोड कैसा दिखता है, जिस टाइप से QR कोड रहता है। देखिए मेरे पास अभी है, ऑलरेडी मैंने स्कैन किया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे इस टाइप से है, तो जो QR कोड रहता है अगर आप मैनुअली एंटर करना चाहते हैं तो इसमें लिखा है एंटर कोड, जो नीचे जो कोड दिया गया है इसको आपने एंटर करना रहता है। तो ये जैसे इसमें सामने रखेंगे ये रीड कर लेगा, आपको जो पॉइंट आपको शो दे दिखाएगा आपको आपके पॉइंट इन्फॉर्मेशन में। उसके अलावा थर्ड ऑप्शन जो दिया रिडीम का, रिडीम क्लिक करते ही इसमें आपको प्रोसेस होगा। इसमें देखिए इसमें लिखा है पूरा डिटेल कि मेरे पास अभी 10 पॉइंट है, यू कैन ट्रांसफ़र योर मनी टू एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड, ट्रांसफ़र रेट यानी 1 पॉइंट इक्वल टू 1 रुपीज़, ये दिखा रहा है ऑप्शन, दिखा रहा है ट्रांसफ़र टू पेटीएम वॉलेट या ट्रांसफ़र टू बैंक, शो हिस्ट्री, ये ऑप्शन दिखा रहे हैं आपके। तो मैं इसमें भी करूँगा पेटीएम वॉलेट में ये जा सकता है, पहले मुझे इसमें पेटीएम नंबर डालना होगा, उसके बाद ही जो मैंने इसमें अपडेट किया वो बैंक ट्रांसफ़र है, इसमें डिटेल वगैरह आ जाता है। उसके बाद पॉइंट एंटर करूँगा तो इसमें दिखाता है, एग्जांपल की मैं भी लिखता हूँ 10 पॉइंट, रिडीम करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ये रिडीम हो पाता है कि नहीं। मैं इसको ट्राई किया बट जी दोस्तों ये देखिए बिल्कुल रिडीम हो चुका है, इधर 0 आ रहा है यानी कि रिडीम हो चुका है, मेरे बैंक अकाउंट में जो 10 रुपये चले गए हैं। तो उसके अलावा इसमें चौथा ऑप्शन दिया स्टोरीज़ का, आप इसमें कोई स्टोरी अगर आप अपलोड करना चाहते हैं सेंडले तो आप अपलोड कर सकते हैं आप इसमें, तो यही ऑप्शन दिया रहता है इसमें। बहुत ही अच्छा ऐप है दोस्तों, अगर मैं आपको जानकारी बता दूं, अगर इसमें सबसे पहले अगर फर्स्ट टाइम इसको आप डाउनलोड करते हैं मोबाइल में, तो सबसे पहले अपना इसमें आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद उससे आपको OTP आएगा, OTP एंटर कीजिएगा, पेज आपके पास खुल जाएगा, होम इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको इसमें स्कैन तो आप कर सकते हैं कूपन को बिना KYC वेरिफिकेशन के भी, आपको उसके बाद KYC वेरिफिकेशन के लिए आपको इसमें ऑप्शन आता है KYC का, KYC में आपने जाना है जैसे कि मैंने आपको बताया, वहाँ पे जाइएगा आप, KYC आपने यानी डॉक्यूमेंट अपलोड करने जैसे कि आधार कार्ड पैन कार्ड जो ऑप्शन आएगा एंटर कीजिएगा। उसके बाद आपको कस्टमर केयर में कॉल करके इसको वेरीफाई करवाना है यानी अप्रूवल करवाना है। कस्टमर केयर में कॉल करने के लिए भी आपको इसमें ऑप्शन दिया रहता है ऊपर टॉप में, जैसे कि मैंने बताया कहाँ से आपको कस्टमर का नंबर मिलेगा, इसमें नंबर दिया रहता है कस्टमर केयर का, इसको कॉल कीजिए, मोबाइल से डायल कीजिए और उसको बात कीजिए मैंने अप्रूवल करवाना है, वो यहाँ से वो अप्रूव कर देंगे। तो उसके बाद आप अपने अमाउंट को पॉइंट को रिडीम कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको लाइव अभी करके दिखाया था कि पॉइंट रिडीम कैसे होता है। देखिए दोस्तों इसमें मैसेज भी आया होगा मुझे बैंक की तरफ से, देखिए दोस्तों इसमें दिखा रहा है मुझे 7 रुपये 70 पैसे इसमें आया हुआ है, जो कि GST कार्ड के आया हुआ है,
तो टोटल इस प्रकार से 7 रुपये मुझे अकाउंट में क्रेडिट किया गया है, 7 रुपये 70 पैसे से, बाकी GST इसमें काट लिया गया है मेरे से। तो ये है, तो करंटली क्विकली इसमें आपको रिडीम हो रहा है। बहुत अच्छा ऐप है, आप इसे यूज़ कीजिए, अपने दोस्तों को भी सलाह दीजिए इसका इस्तेमाल करने के लिए। बहुत ही आसान ऐप है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है दोस्तों, अगली बार किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।